पंजाब के पूर्व डीजीपी के घर पर विजिलेंस विभाग की टीम ने सोमवार देर शाम एक बार फिर काले धन के शक के आधार पर छापेमारी की। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया जा रहा है कि विजिलेंस ने यह कार्रवाई क्यों की है, लेकिन उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 20 की एक कोठी की कलेक्शन लेकिन उच्च स्तरीय सूत्रों के अनुसार यह मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 20 की एक कोठी की काले धन से हुई खरीद से जुड़ा हुआ है। विजिलेंस सैनी से इस कोठी के दस्तावेज हासिल कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती थी, पर पूर्व डीजीपी सुमेश सिंह सैनी घर पर नहीं मिले। विजिलेंस के पहुंचने पर पूर्व डीजीपी के सुरक्षाकर्मियों ने लगाया गेट को ताला। विजिलेंस टीम की ओर से सैनी के सेक्टर 20 स्थित आवास पर दबिश दिए जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। सैनिक के सुरक्षाकर्मियों ने गेट को ताला लगाकर विजिलेंस टीम को अंदर आने से रोका। इसके बाद सैनिक के केस लड़ने वाले एडवोकेट रमनप्रीत सिंह को मौके पर बुलाया गया। पुलिस और सैनिक के एडवोकेट के पहुंचने के बाद कोठी के अंदर जा पाई विजिलेंस टीम। बाद में स्थानीय पुलिस और एडवोकेट रमनप्रीत सिंह के साथ विजिलेंस टीम के अधिकारी सैनिक के आवास के अंदर गए। सूत्रों के अनुसार देर रात तक तलाशी अभियान शुरू किया गया और यह देर रात तक जारी रहा। विजिलेंस की ओर से एसपी गगनदीप सिंह और एआईजी आशीष कपूर के नेतृत्व में रेड की गई। देखे पूरी रिपोर्ट। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। No, no, nothing of that sort has been given to us. No, a copy of the FIR has been given to us. Exactly what I am saying, nothing about the FIR has been told to us. विजिलेंस ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕੀ ਫਿਰ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਬਸ ਘਰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕਨਵਰ ਆਫ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡਰ ਹੈ ਯਾਰ ਆਨ ਦਾ ਬੇਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੱਕਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ करके अज इन्हों अपना नाम दोबारा बोल दो मैम एडवोकेट रमनप्रीत सिंह चलो थैंक यू।